अरे नहीं यार, कहाँ। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में रस ही नहीं। जब से शादी हुई है पति के प्यार तक के लिए तरस गई हूँ, और पता नहीं ये सुहाग रात कब होगी। खैर चल, रखती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब देखना हमारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब तुम्हारे और हमारे बीच की दूरियाँ इतनी आई। ऐसा लगता है आज हनीमून होकर रहेगा। चलो एक बात कहूँ, बुरा मान। अरे हमने आपकी बात का बुरा माना है कभी? कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे नहीं बताऊंगा। तो कैसे बताओगे? जो इतने प्यार से पूछ रही है तो बताना ही पड़ेगा। जानू तुम खूबसूरत हो, जवान हो, पुरकशिश हो, मुझसे तुम्हारा अकेलापन देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने सोचा कि आज पूरा मान जाओगे। अरे नहीं नहीं, कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? एक काम करते हैं। क्या? बेडरूम में चलते हैं। कहिए ना, क्या कह रहे थे आप? हम कह रहे थे कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, जवान हो, और क्या? नहीं नहीं, तुम बुरा मान जाओ। नहीं मानूंगी बुरा। कहिए ना, आपकी यही बातें सुनने के लिए तो तरस रही थी मैं। बस आज आप पूरा कर दीजिए। पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए। जानू तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, और तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नजर ना लगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हम सब समझ रहे हैं, बस थोड़ा जल्दी कीजिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। हमें लगता है तुम पूरा मान जाओगी, आज जाने देते हैं। कब से एक ही बात को खींचे जा रहे हो? तो जानू मैं बात को खींच नहीं रहा, मैं तो तुम्हारी परमिशन इसलिए ले रहा था कि तुम देखो खूबसूरत हो, जवान हो, इतने बड़े घर में अकेली रह। और कभी कभी मैं भी घर से बाहर जाता हूँ तो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कोई तो चाहिए ना घर में। नहीं जानू, तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुत्ता पाल लेते हैं। कुत्ता? यहाँ मेरा बदन आग की तरह जल रहा है, शादी को सालों हो गए, बिस्तर में तो तुम्हारी सीटी बचती नहीं, तो अब तुम कुत्ते बिल्लियां पालकर सीटी बजाओगे? रुको दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और देखते रहिए हमारा चैनल MR क्रिएटिव विजन।